दर्शन करके जा रहे हैं, पानी में फिसल के कहीं कहीं गिर जा रहा है, क्योंकि जो माता जी के प्रतिमा में अस्त्र शस्त्र होता है कहीं ना कहीं वो पानी में रहता है। जो लोग विसर्जित करने जाते हैं उनके पैर में लग जा रहा है, पैर कट जा रहा है, इसलिए असुविधा इस बार लगी है। इसलिए नाव होना भी जरूरी है और क्रेन की जो व्यवस्था कराई गई इसके लिए हम लोग प्रशासन को पूरे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वास्तव में विसर्जन बड़ी शांतिपूर्वक प्रशासन ने निपटाया, इसलिए प्रशासन इसका बहुत बहुत धन्यवाद का आभार हम लोग व्यक्त कर रहे हैं दुर्गा पूजा के समिति के लोग। और अगली बार से जो व्यवस्थाएँ रह गई उस पर हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिनव उपाध्याय, जनता होटल से। विसर्जन हमारे यहाँ ये बस्ती सदर में करीब 300 से ज़्यादा मूर्तियों का विसर्जन होना सुनिश्चित है। सारी व्यवस्थाएँ सब अच्छे हैं, पुलिस व्यवस्था, हमारे घाटों की व्यवस्था, हमारी नाय की व्यवस्था और हमारे गोता सब चीज़ें सब सम्पन्न हो रही है। लगभग इस समय तक समझते हैं मूर्तियाँ विसर्जित हो गई, विशेष मूर्तियाँ लाइन में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बड़े विसर्जन होना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। सर, क्रेन की व्यवस्था की गई है? क्रेन की व्यवस्था की गई है? क्रेन की व्यवस्था की गई है बड़ी मूर्तियों के लिए। हम भी चाहेंगे बड़ी मूर्तियां क्रेन से भी विसर्जित कराई जा रही है। लगभग 7-8 मूर्तियां बड़ी विसर्जित की गई है। शेष मूर्तियां हमारे गोतापुर और कमाल और हमारे कुछ लेबर भी लगे हैं, लोग भी लगे हैं मूर्ति के साथ। सब लोगों के सहयोग से विसर्जन बड़े तरीके से चल रहा है। हमारे पास 6-7 नाये हमने लगाया है।